गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मॉर्निंग अभी नहीं है, ऑलमोस्ट दोपहर ही होने को है, बस कुछ ही टाइम बाकी है मॉर्निंग विश करने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, लंच की तैयारी अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। चाय नाश्ता तो हमारा हो गया है काफ़ी देर पहले, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके अभी आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं काट रही हूँ कुंदरू। एक्चुअली एज यूजुअल आज भी लंच सौरभ ही बनाने वाला था, तो सौरभ ने यहाँ पे कुंदरू फ्राई करने के लिए कुंदरू काटना भी स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैं कुछ काम पे किचन पे आई, किचन में आके देख रही हूँ कुंदरू उसने इतना मोटा मोटा काटा है कि ये कब तक बॉयल होगा पता नहीं, मतलब फ्राई करने के लिए। तो फिर मैंने दोबारा अभी कुंदरू को थोड़ा पतला पतला काटना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे कुकर में अंडा और आलू बॉईल करने के लिए सौरभ ऑलरेडी चढ़ा दिया है। अंडा कड़ी बनेगा, चावल बनेगा, कुंदरू फ्राई बनेगा और कुछ नहीं बनाऊंगी, मतलब और टाइम भी काफ़ी हो गया है ना, तो और कुछ मन भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, आजकल जैसे रात को देखिए मामा को लेकर इतने अच्छे से हमारा नींद कंप्लीट नहीं होता है, स्पेशली मेरा, क्योंकि मुझे तो उसके साथ ही जा के रहना पड़ता है। जब भी वो उठती है मुझे उसको फीड करवाना होता है, उसके डायपर चेंज करना होता है, और सौरभ तो ऑफिस के काम में बिजी रहता है ना रात को, उसका तो नाइट शिफ्ट आप लोग जानते ही हैं। तो सौरभ का भी नाइट शिफ्ट करने की वजह से उसको भी नींद कंप्लीट नहीं होता है और मुझे भी नींद कंप्लीट नहीं होता है मामा के देखभाल करने के लिए। तो क्या ही करूँ, सुबह के टाइम पे थोड़ा हम लोग है ना एक्स्ट्रा सो लेते हैं, जिस वजह से आजकल सुबह हमारा नींद से उठने में बहुत टाइम लग जा रहा है। जब हम लोग नींद से उठ रहे हैं उस टाइम पे देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट दोपहर होने को है, फिर फटाफट से चाय नाश्ता खत्म करके नहा धो के ही हम लोग आ जाते हैं किचन में। मतलब मैक्सिमम तो सौरभ ही कर रहा है आजकल, तो सौरभ जब तक किचन का सब कुछ संभालता है, मैं बेबी को ऑयल मसाज नहलाना, उसको रेडी करना, फीड करवाना दोबारा, तो वो सब कुछ फिर मैं ही देखभाल करती हूँ। तो अभी सौरभ बेबी को देखभाल कर रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। कुंदरू थोड़ा सा साइज का काट के मैं चली जाऊंगी, फिर सौरभ बाकी का खाना बना लेगा। और यहाँ पे हो रही है मामा की मालिश। मैंने सौरभ को बोला जब मैं किचन की तरफ जा ही रही हूँ तो बिना टाइम वेस्ट करके क्यों ना तुम मालिश यहाँ पे कंप्लीट कर लो, और तुम ही उसको नहला दोगे या मैं नहलाऊं? तुम नहीं कर पाओगे? नहीं, मैं मेरे से नहीं होगा, नहलाना मेरे से। लास्ट दिन तो किए थे तुम? नहीं, बट स्टिल मुझे डर लगता है। ठीक है, तो उसको मालिश करके थोड़ी देर छोड़ दो तेल एब्जॉर्ब होने के लिए, फिर मैं आती हूँ उसको नहलाने में। मामा क्या कादू कादू हे मार्केट में जो पैक्ड जूस मिलता है ना कंटेनर में या बॉटल में, उसमें कितना भी नो एडेड शुगर लिखा हुआ होता है, उसके बावजूद भी शुगर तो उसमें डेफिनेटली होता है। ये देखिए, ये जो छोटा सा बॉटल है 200 ml का, 50 rupees इसका दाम है कुछ। ये है कोकोनट वाटर स्टोरिया ब्रांड का। ये एक्चुअली बिग बास्केट से जब मैं कुछ सामान वगैरह ऑर्डर करती हूँ ना, तो कभी कभी फ्री में दे देते हैं, तो ऐसा दो बॉटल मिला है इस बार हमें फ्री में कोकोनट वाटर का। तो मैं फ्रिज में रखी थी, अभी एकदम ठंडा ठंडा है ना, तो पीने में अच्छा लग रहा है। नो एडेड शुगर लिखा हुआ है, बट इसमें शुगर डेफिनेटली है, क्योंकि नारियल पानी इतना मीठा तो हो ही नहीं सकता। मैंने इनफैक्ट रॉ का भी जो पैक्ड कोकोनट वाटर है वो भी मैंने ट्राई किया है, उसमें भी नो एडेड शुगर लिखा हुआ है, बट मुझे तो लगा कि उसमें भी शुगर है क्योंकि वो भी थोड़ा मीठा था। इसके तरह इतना मीठा तो नहीं था, बट हाँ मीठा था। तो ठीक है, चलो कभी कभी थोड़ा सा ठंडा पीने का मन होता है, घर पर जो भी रहते हो, ऊपर से फ्री का सामान है तो यूटिलाइज तो करना ही चाहिए। एनीवेज, आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। हमारे सारे पेड़ पौधे ना गर्मी की वजह से ऑलमोस्ट मतलब मरने ही वाला था, ठीक है। फिर सौरभ ने इतना मेहनत किया सारे पेड़ पौधे में दोनों टाइम कर करके ना उसने पानी डाला था, और फाइनली सारे पौधे फिर से एकदम ताज़ी हो गई है। और ऊपर से बारिश वगैरह भी हो रही थी ना कुछ दिन से, तो बारिश का पानी मिलके सारे पौधे एकदम हरे भरे होने लगे हैं दोबारा। और सारे हिबिस्कस में ना ढेर सारे कलियाँ भी आई है, जिसमें से ये जो एक रेड कलर का हिबिस्कस है ये तो डेली खिल रही है, 2-3 ऐसे करके खिल रही है। और एक जो रेड कलर का हिबिस्कस है दूसरे बालकनी में, वो भी खिलती है डेली एक एक करके। तो देख के अच्छा लग रहा है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि शायद पेड़ पौधे नहीं बचेंगे इतने गर्मी की वजह से, बट ठीक है, चलो भगवान ने हमारी सुन ली है। और बारिश वगैरह होने के बाद और सौरभ के मेहनत के बाद दोबारा सारे पेड़ पौधे एकदम मतलब ताज़ी हो गई है। सुबह सुबह सौरभ ने ढेर सारे कपड़े आज वॉशिंग मशीन में डाल दिया था धुलने के लिए, तो सारे धुल गए हैं। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल भी दिए हैं, जो कि हल्का पतला है, स्पेशली मामा के सारे कपड़े यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और कुछ कुछ जो बाहर सुखाने वाला है वो मैंने बाहर डाल दिया है। जैसे सौरभ का एक बहुत ही मोटा सा पैंट है, यहाँ पे एक मेरा जीन्स है और कुछ टॉवल्स वगैरह। बाहर ना बहुत ही ज़्यादा क्लाउड आ गई है, तो इतने सारे कपड़े अगर सब कुछ बाहर डालूंगी, फिर अगर अचानक से बारिश आ जाएगी तो इतने सारे कपड़े उठाने के टाइम ही भीग जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टैंड में ही डाल देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, मेरे जीन्स में तो कोई कैश था नहीं, आई एम श्योर। सौरभ के पैंट में हमेशा कुछ ना कुछ कैश रहता है, और जबकि मैं सुखाने के लिए डालती हूँ कपड़े, उस टाइम पर मैं प्रॉपरली पॉकेट चेक करके ही डालती हूँ, लेकिन सौरभ ने आज पॉकेट चेक करके नहीं डाला। और यहाँ पे मुझे वॉशिंग मशीन से मैंने रेस्क्यू की है 4
100 का नोट यानी 400 रुपये यहाँ पे है। मैं बस भगवान को प्रे कर रही थी, भगवान और एक निकल जाए 500 हो जाए तो फिर मेरा राउंड फिगर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे हक का पैसा है, मैंने रेस्क्यू किया ना ये पैसा मशीन से, तो ये मेरे हक का पैसा है। मैं सौरभ को बोल रही थी कि और 100 तुम मुझे दे दो फिर मेरा एकदम फुल एंड फाइनल हो जाएगा 500 राउंड फिगर। सौरभ बोल रहा है कि नहीं तुम इतने में ही खुश रहो, तो ये पैसा अभी मेरा है। तो पैसा ना एकदम टेरा मेरा हो गया था, बट थैंक गॉड कि फटा नहीं है एक भी नोट। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फटा हुआ है जिसको मैंने ऐसे चिपकाने की कोशिश भी की है, लेट्स सी, आई थिंक इतना थोड़ा सा तो चल ही जाएगा, बाकी नोट फटा नहीं ये सबसे बड़ी बात है। तो ये हम लोग यूज़ कर पाएंगे, हम लोग इन द सेंस मैं यूज़ कर पाऊँगी। तो ये है मेरे हक का पैसा, कपड़े सुखाने का 400 रुपये है मेरा फीस। टाइम हो रहा है 1:40 और लंच तो सौरभ का बनाना हो गया है, सौरभ अभी चला गया है नहाने, मैं तो सुबह के टाइम पे ही नहा ली थी, कुछ देर बाद हम लोग करेंगे लंच। तो उससे पहले ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक्चुअली कल के ब्लॉग में ही मैं सोच रही थी कि इस बात को छेड़ूंगी लेकिन कल एकदम दिमाग से ही निकल गया था मेरा, तो कोई बात नहीं आज ही बता देते हैं। मदर्स डे जिस दिन था उस दिन मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था कि मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी बिस्तर से, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया कि कितना कुछ हो रहा था मेरे साथ, लूज मोशन वगैरह। तो हम लोग इस बार मदर्स डे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, देखिए मतलब इस साल तो मेरा पहला मदर्स डे था ना, तो हमारा कुछ प्लान था कि हम लोग कुछ करेंगे ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से सारे प्लान हमें ड्रॉप करना पड़ा। ऐसा मतलब प्लान इन द सेंस कुछ आउटिंग वगैरह ऐसा नहीं है, बेबी के साथ ही हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत प्लान किए थे कि कुछ फ़ोटोशूट करेंगे और फिर केक कटिंग करेंगे, तो यही सब कुछ, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो सौरभ ने और मेरे बहन तो उस टाइम पर थी हमारी इधर ही, तो बहन ने और सौरभ ने मुझे मदर्स डे तो विश किया है लेकिन ट्रस्ट मी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सौरभ और बहन विश करने से पहले ही आप लोगों में से कोई मुझे विश किया है मेरे इंस्टाग्राम में और एक कोई विश किया है मेरे फेसबुक पेज में भी। तो मैं उन दोनों को तो पर्सनली इनबॉक्स में जाके थैंक यू बोल ही चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात को थोड़ा सा एड्रेस किया जाए ताकि आप लोगों को भी पता हो कि आप लोग मेरे लिए जितना सोचते हो जितना प्यार करते हो मैं भी आप सबको इक्वली उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम डॉट रात के 12 बजे मेरे पास मैसेज आया फेसबुक में और इंस्टाग्राम में कि हैप्पी मदर्स डे रिया, और मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे हस्बैंड और बहन विश करने से पहले ही आप लोगों में से कोई ने किसी ने मुझे विश कर दिया है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे फीलिंग्स का इतना ज़्यादा कदर करते हो, मेरे फीलिंग्स के छोटे छोटे जो मतलब चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा आप लोग प्रीशियस बना देते हो। तो वो जो विश मुझे फर्स्ट टाइम किया गया ना, कोई सब्सक्राइबर नहीं जब किया, तो उस टाइम पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, बहुत एक डिफरेंट फील आ रहा था। और उसके बाद तो धीरे धीरे जैसे सब रिलेटिव्स वगैरह सब लोग धीरे धीरे दोस्त सब मेरे पहला मदर्स डे विश करना स्टार्ट किए, कोई मैसेज करके कोई कॉल करके, उस टाइम पे ना लिटरली मेरे गूज़बम्स आ रहे थे कि अरे यार मतलब अलग ही फीलिंग्स है। इतने दिन तक बर्थडे विश मिलता था, एनिवर्सरी विश मिलता था, लेकिन मदर्स डे विश मिल रहा है मुझे, तो ये फीलिंग्स ना कुछ डिफरेंट ही था। एनीवेज अभी आते हैं मुद्दे के बाद में, एक्चुअली जब मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था डिलीवरी के बाद, उस टाइम पे आप लोगों ने देख लिया था कि डिस्चार्ज के दिन बेबी का हुआ था फोटोशूट और हमारे यानी पेरेंट्स के साथ भी एक फ़ोटोशूट हुआ था। तो मैं आप लोगों को बोली थी कि सारे पिक्चर्स जब आ जाएंगे उस टाइम पर मैं आप लोगों को वो पिक्चर शेयर करूँगी, बट इतने दिनों से ना मैं कुछ ना कुछ काम में भूल ही जा रही थी, फिर मुझे अचानक से याद आया कि नहीं मदर्स डे के दिन वो पिक्चर्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि डिस्चार्ज के दिन हॉस्पिटल के तरफ से जो फोटोशूट वगैरह हमारा हुआ था, तो वो फोटोशूट मतलब वो फोटो सारे मैं डाउनलोड कर लेती हूँ फिर मैं आप लोगों को व्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन उस दिन तो मैं व्लॉग ही नहीं बनाई तो वो कुछ सब कुछ शेयर भी करना नहीं हुआ था। तो चलिए अभी हम लोग लंच करेंगे, तब तक आप लोग बीच में जो थोड़ा सा टाइम है इसमें आप लोग वो सारे फोटोशूट देख लीजिए, बहुत क्यूट क्यूट फोटो आए थे मामम का और हमारे साथ भी मतलब पेरेंट्स के साथ भी एक फ़ोटो कॉम्प्लीमेंट्री था तो वो भी हमने ले लिया है। तो सारे फोटो मैं यहाँ पर अटैच कर दी हूँ, आप लोग देखिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा।
ये देखिए लंच मैंने सर्व कर लिया है, ये रहा एक कड़ी। सौरभ ना इसमें थोड़ा सा दही भी डाला है, दही डाल के ये एक कड़ी उसने बनाया है। तो मैंने बोला कि मेरा वाला एग जो है ना वो फ्राई मत करो, ऐसे ही बॉइल्ड ही रख दो, और सौरभ का जो एग है ये वाला उसने फ्राई कर लिया है। तो ये रहा दही डाल के एक कड़ी, और साथ में ये है कुंदरू फ्राई। मैंने थोड़ा सा नींबू भी ले लिया है, और ये देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये है आम का अचार। इस डब्बे में ना आम का अचार कल जोसना ने दी थी, जोसना गांव गई थी ना, मैंने आप लोगों को बोला था कि वो मायके गई थी, तो मायके से सौरभ के लिए लेके आए हैं आम का अचार, क्योंकि सौरभ को आम का अचार बहुत ही पसंद है। लंच हमारा हो गया है, और बाहर अभी ना काफ़ी और ज़्यादा बादल आ गया है, तो बाहर भी जितने सारे कपड़े थे सारे कपड़े मैंने यहाँ पे अंदर ही डाल दिया है। और हमाम तो अभी भी सो रही है, एक्चुअली उसको ना नहाने के बाद इतनी गहरी नींद आती है, मैं आप लोगों को बोल रही थी ना एक ब्लॉग में कि नहाने के बाद वो फीड भी नहीं लेती है, तुरंत सो जाती है वो। फिर जैसे उसको भूख लग जाती है ना तो सो जाने के 10-15 मिनट बाद दोबारा उठ जाती है, तो फिर उसका भी जो उसको भी डिस्टर्ब हो जाता है नींद में, और हम भी अगर उस टाइम पर कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो काम नहीं कर पाते, फिर उसको सुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इससे पहले भी मैं ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि उसको ऑयल मसाज करने के बाद ही मैं तुरंत उसको फीड करवा देती हूँ, फिर नहलाने के बाद जब तक मैं उसको कपड़ा वगैरह पहना के लोशन लगा के रेडी करती हूँ तब तक वो सो जाती है। फिर मैं उसका बेड भी इनफैक्ट मैं नहाने से पहले ही उसका तैयार करके रखती हूँ, ताकि वो अगर सो जाए तो उसको तुरंत मैं सुला सकूँ बेड पर। तो अभी तो वो सो गई है, वो सो जाने के बाद हम लोगों ने भी फटाफट से लंच वगैरह कर लिया है, और रूम एकदम अंधेरा अंधेरा है क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा बादल है ना, तो वैसे भी रूम अंधेरा है, और ऊपर से सौरभ ने ये वाला रूम का लाइट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे सोड़ी है, रूम एकदम ना डार्क करके रखते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे से नींद लेती है। गर्मी तो इतना ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल फैन हम लोग एक या दो के स्पीड में ही चला के रखते हैं ताकि उसको स्वेटिंग ना हो। मतलब अभी तो स्वेटिंग का इतना ज़्यादा उसको कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन ना बॉडी हीट हो जाता है तो उससे पता चलता है कि उसको गर्मी लग रही है, तो जिस वजह से हम लोग एक थोड़ा सा फ़ैन ऑन करके रखते हैं, और एक पतला सा कंबल या तो फिर ब्लैंकेट या कुछ ना हो तो बेडशीट से ही उसको ओढ़ के रखते हैं, बट वो कुछ रखती नहीं है, पता है बेडशीट ब्लैंकेट सब वो फेंक देती है। ऐसे ना पैर से साइकिल चलाने की तरह करती है, जैसे साइकिल का पैडल घुमाना होता है ना वैसा करती है, और फिर सारे जो कंबल ब्लैंकेट जो कुछ भी डालती हूँ सब वो फेंक देती है, तो वो रख के फ़ायदा नहीं है। हम लोग एकदम स्लो स्पीड में फ़ैन चला के रखते हैं, तो जब तक वो सो रही है मैं थोड़ा सा ना बाल सुखा लेती हूँ। हेयर ऑयलिंग की थी ना, हेयर ऑयलिंग करने से ना बाल सूखता नहीं है, ऊपर से धूप वूप कुछ भी नहीं है, तो लेकिन हवा चल रही है अच्छा खासा, तो बालकनी में बैठ जाती हूँ, खुद से अच्छा भी लग रहा है, इतनी अच्छी सी हवा चल रही है, साथ में एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बालकनी में थोड़ी देर बैठती हूँ, सौरभ चला गया है रेस्ट लेने के लिए, सौरभ थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा, मैं थोड़ी देर बालकनी में ही टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का वेदर। गुड इवनिंग एवरीवन। सो काफ़ी टाइम बाद दोबारा आप लोगों से मेरी बातचीत हो रही है। दोपहर के टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला ना कि बाहर बैठ के थोड़ी देर मैं वेदर एंजॉय करना चाहती हूँ, बट वो हुआ ही नहीं क्योंकि सौरभ भी फिर सोया नहीं था दोपहर के टाइम पे, तो वो बोला कि चलो थोड़ी देर बैठ के कुछ ज़रूरी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग पूरा दोपहर बैठ के ना थोड़ा कुछ ज़रूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें ही पूरा टाइम हमारा चला गया। फिर देखा अचानक से घड़ी में 6:30 बज गया, उस टाइम पर फिर चाय वाय सब कुछ बना के पीने के बाद फिर थोड़ी देर ना आज बेबी भी थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी तो उसको भी थोड़ा सुलाने में टाइम लग गया। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, आज डिनर मैं बनाऊंगी। सौरभ आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो मैंने बोला कि आज तुम बेबी सिटिंग कर लो थोड़ी देर के लिए और मैं फटाफट से डिनर बना लेती हूँ। तो किस चीज़ के ऊपर हमारा इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था वो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करूंगी टाइम आने पे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा देरी है, जब टाइम आएगा डेफिनेटली बताऊंगी। एनीवेज आज डिनर में मैं क्या बना रही हूँ वो मैं फटाफट से आप लोगों को एक बार शेयर कर देती हूँ। आज थोड़ा अलग काइंड ऑफ कुछ रेसिपी बनाने वाली हूँ कच्चा केला के साथ। तो यहाँ पे मैं देखिए प्याज हरी मिर्ची टमाटर सब कुछ यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है, और कच्चा केला और आलू को मैंने कट कर लिया है। ये केला ना जोसना के गांव से है, जोसना गांव गई थी मैं बोल रही थी ना, तो वो गांव से उनके घर पे पेड़ पौधे हैं केले का, तो जब भी वो गांव से आती है ना मेरे लिए कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह मतलब वहाँ के जो स्पेशलिटीज है सब कुछ वो लेके आती है। इस बार कच्चा केला लेके आई है, कड़ी पत्ता लेके आई है, और भी साथ में कुछ अचार तो है ही मैंने जैसे आप लोगों को बताया, तो ऐसे ही कुछ कुछ वो भेजती रहती है, तो इस बार वो सब कुछ वो लेके आई थी, तो वही कच्चा केला ही मैं आज बनाऊंगी। कच्चा केला ना एक्चुअली सौरभ को इतना पसंद नहीं है, सिर्फ कच्चा केले का जो भाजी है और केले का जो कोफ्ता कड़ी है वो सौरभ को पसंद है, अदरवाइज वो केला इतना पसंद नहीं करता। मुझे कच्चा केला बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा हट के रेसिपी बनाते हैं, थोड़ा टेम्पटिंग दिखने में लगेगा तो सौरभ खा लेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने काट लिया है केले को ना, छिलका मैंने उतार लिया है और फिर उसको बीच में से केला को कट कर दिया, और फिर ना ऐसे स्लाइसेस में मैंने कट कर दिया है, आप देख के समझ सकते हो ना कि कैसे कट करना है। तो थोड़ा हल्का सा थिकनेस के साथ ही इसको कट करना है, मतलब एक केला को आपने हाफ किया और फिर हाफ को आप तीन स्लाइस में कट कर लिया ऐसे,
ये तो हो गया, और साथ में आलू तो डेफिनेटली जाएगा। तो आलू का भी मैंने छिलका उतार लिया है, उतार के ना आलू को ऐसे गोल गोल स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। जैसे कि आलू का चिप्स वगैरह बनता है ना, तो उसमें तो बहुत पतला होता है, लेकिन ये थोड़ा सा थिक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे काइंड ऑफ इसको कट कर लिया है और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। इसको अभी मैरिनेट करूंगी। तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिन से कुछ रेसिपीज वगैरह आप लोगों को शेयर नहीं करना हुआ था, तो क्यों ना आज एक अच्छा सा थोड़ा यूनिक काइंड ऑफ रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। वैसे आई डोंट नो कि आप लोग इस रेसिपी को ऑलरेडी यूट्यूब में देख चुके हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये मैंने यूट्यूब से ही लिया है। वैसे ही कभी कभी आ जाता है ना स्क्रॉल करते करते कुछ रेसिपीज वगैरह, तो वैसे ही मैंने इस रेसिपी को ग्रैब कर लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अपना टच देके बनाऊंगी। सो चलिए आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। बहुत इजी है, कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी बन जाता है। आलू और केला को मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा हल्दी यहाँ पर डाल देना है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब बहुत ही अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसमें ना बेसन, कॉर्नफ्लावर ऐसा कुछ भी डाल सकते हो बाइंडिंग के लिए। वीडियो में ऐसा ही था, लेकिन मैं इतना सब कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग रेगुलर चावल के साथ खाएंगे ना, तो इतना हमें तामझाम करने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मम को लेके इतना सब कुछ अभी फैंसी खाना वगैरह मैं नहीं बना पाती हूँ आजकल, तो जितना शॉर्टकट में हो जाए उतना ही अच्छा है। तो नमक हल्दी से ही और लाल मिर्च का पाउडर से ही थोड़ा सा मैरिनेट करके इसको ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर कढ़ाई में चढ़ा देना है तेल, सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हो। और अभी एक एक करके केले और आलू को फ्राई कर लेना है। ढक के नहीं पकाना, बस मीडियम फ्लेम में ही इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसको निकाल के रख देना है। ये देखिए यहाँ पे केला फ्राई हो गया है, अभी जो बचा हुआ ऑयल है ना उसी में ही आलू भी फ्राई कर लेंगे। आलू को अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा ढक के भी पका सकते हो, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये है केले का छिलका, इसका ना कल मैं एक रेसिपी बनाऊंगी जो कि गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। बंगाली में हम लोग बोलते हैं कांचा कोला और खोसा बाटा, यानी केले का छिलके का भरता, ठीक है। तो ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, फिर भी कल अगर टाइम मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी। एनीवेज देखिए आलू भी यहाँ पे मेरा फ्राई करना हो गया है, आलू और केला दोनों ही रेडी है यहाँ पे। और धनिया पत्ता भी मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था, और अभी कढ़ाई में उसी तेल में ही मैंने थोड़ा सा जीरा एक तेज़पत्ता को तोड़ के डाल दिया है। फिर प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर सब कुछ अच्छे से फ्राई करने के बाद थोड़ी सी नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और एकदम नाके बराबर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी दे दिया है। अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको बहुत ही अच्छे से चला लेना है। जैसे ही एक बार ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर यहाँ पर फ्राई किया हुआ केला और आलू डाल देना है। फिर डाल देना है अंदाजा से पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देना। मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी आज डालूंगी, क्योंकि हम लोग चावल के साथ खाएंगे ना, दाल वगैरह तो मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, तो थोड़ा ग्रेवी तो चाहिए ही है। तो अभी लो फ्लेम में इन सारे चीज़ों को ढक के पकाना है 5 मिनट के लिए, ताकि केला और आलू अच्छे से बॉयल हो जाए और इसके अंदर तक मसाले का जो फ्लेवर है वो चला जाए। साइड बाई साइड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चावल भी चढ़ा दिया है। एंड में डाल देना है थोड़ी सी गर्म मसाला और चॉप्ड धनिया पत्ता। अगर आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो, घी और गरम मसाले का भी ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर इस सब्ज़ी में आएगा। लेकिन अगर आप धनिया पत्ता डालते हो तो फिर घी मत डालना। तो ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है, आलू केले की बहुत ही सिंपल सा सब्ज़ी। तो चलिए अभी इसको ढक देते हैं और गैस कर देते हैं बंद। टाइम अभी हो गई है रात के 10:30, 5 मिनट बाकी है 10:30 बजने में। कपड़ा वगैरह यहाँ पे तो सारा सब कुछ सूख गया है, तो इन सारे कपड़े को अभी करना है फोल्ड। सौरभ का मीटिंग चल रहा है, वो अभी एक मीटिंग में है, तो उसका मीटिंग ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद ही डिनर सर्व करूँगी। और लकीली मामा अभी भी सो रही है, थैंक गॉड वो सो रही है, करके ना मेरा काफ़ी सारा काम हो गया। खाना बनाते बनाते मैंने व्लॉग भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया, मतलब आप लोगों को रेसिपी भी शेयर कर दिया, और थोड़ा इधर उधर का काम भी जो होता है ना घर का, कुछ छोटा मोटा काम वो भी कर लिया है। और अभी सोच रही हूँ कि जब तक सौरभ का मीटिंग चल रहा है, जब तक वो डिनर नहीं करेगा तब तक क्यों ना मैं सारे कपड़े को भी फोल्ड कर लेती हूँ, फिर हम लोग करेंगे डिनर और फिर सो जाएंगे। कितनी अच्छी सी हवा चल रही है गाइस। सौरभ का पैंट नहाने के बाद ये बाहर डाला था ना, ये उठाना ही नहीं हुआ, उठा लूँगी इसको अभी। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना आज पूरा दिन, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। तो चलिए अभी हम लोग डिनर विनर करके सो जाएंगे और कल मिलेंगे आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।